हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और अभी हम सब कोल्हापुर के लिए निकल चुके हैं। और यहाँ पे अब हम सब लोग रेडी होकर रूम से बाहर आ चुके हैं। ये जो फुल्ली वाइट कपड़ों में आपको दिख रहे हैं, ये मेरे पति देव जी हैं और उनके साइड में मेरी जेठानी, उनके बच्चे, पीछे जो ये ब्लू टी शर्ट रेड शर्ट में आ रही है, ये भी दोनों मेरे भतीजे हैं। और ये भागते हुए आ रहे हैं जो, ये मेरा बच्चा आदविक है। हम सब पूरी फैमिली ही घूमने गए थे। ये लास्ट में जो है, ये मेरे देवर देवरानी हैं। बस अब हम मेन रोड पे आ चुके हैं। यहाँ पे जो गाड़ी हम लोगों ने बुक की थी, उसको आने में थोड़ा टाइम था, तो फिर सबका यहाँ पे फोटो सेशन चालू हो गया। हम लोग 3 दिन के प्लान से कोल्हापुर आए हुए हैं। तो आज का प्लान ये है कि सबसे पहले हम ज्योतिबा मंदिर जाएंगे। तो बस गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है, गाड़ी आते ही हम लोग ज्योतिबा मंदिर के लिए निकलेंगे। फैमिली के साथ घूमने का मज़ा ही अलग होता है। तो बस अब हम ज्योतिबा मंदिर आ चुके हैं। यहाँ पर चैत्र की पूर्णिमा को एक मेला लगता है, जिसमें लाखों हज़ारों श्रद्धालु आते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर पूरी पूरी गुलाबी रंग से रंगी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देवी को गुलाबी कलर बहुत प्रिय है। तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे देवी को पिंक कलर चढ़ाते भी हैं और माथे पे जो तिलक लगता है वो पिंक कलर का ही लगता है। तो बस फिर दर्शन किया हम लोगों ने और ये पिंक कलर की मंदिर देख के तो दिल खुशी हो गया। उसके बाद बस थोड़ी देर हम लोगों ने इधर उधर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाए और आप लोगों के लिए कुछ फ़ोटोज़ मैंने लास्ट में शेयर भी किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। और ये एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे हम लोग रुके थे थोड़ी देर के लिए इधर भी। तो बस अब आप इस व्यू पॉइंट का नज़ारा लीजिए, लुत्फ़ उठाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।